भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? गलत हो गया। भारत में बालिका दिवस कब मनाया जाता है? गलत हो गया। नेक्स्ट, भारत में बालिका दिवस कब मनाया जाता है? गलत हो गया। ऑडियंस, 24 जनवरी बालिका दिवस 26 जनवरी के दो दिन पहले 24 जनवरी, और 24 जनवरी के बाद 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो वोट करते हैं। पहले राउंड का दूसरा सवाल रोशनी से, रोशनी के लिए सवाल है, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी वायुमंडल में किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश से किसके कारण होता है? बिल्कुल सही तरह हासिल किया इनके। इंद्रजोत, देश में कौन सा प्रत्यय बनेगा? गलत हो गया इंद्रजीत। नेक्स्ट सवाल रितिका के पास, इंद्रजोत निक कौन सा शब्द बनेगा? इंद्रजीत गलत हो गया। इंद्रजोत निक नेक्स्ट, इंद्री बिल्कुल सही। हमारे स्टोरन महोदय बताए, कोई नहीं बताया, और बिल्कुल सही जवाब दिया। संगत को 5 अंक, संगत को 5 अंक दिया जाए। और अगला सवाल, पहले राउंड का खेल समाप्त, दूसरे राउंड का पहला सवाल, संस्कार कितने होते हैं? रितिका, संस्कार कितने होते हैं? एक बार जोड़ा तालियों के लिए 16। और अगला सवाल है रोशनी से, रोशनी के लिए सवाल है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1917। गलत हो गया। नेक्स्ट प्रीति, गलत हो गया। नेक्स्ट, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1907। गलत हो गया। आशीष, गलत हो गया। 1977 बिल्कुल सही। चिंटू के लिए 2005। और अब सवाल स्वीटी से, स्वीटी का बताना है, मुंबई में पहला सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया? मुंबई में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया? 1891। गलत हो गया। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है। सबनम के लिए, और अब सवाल सबनम से, सबनम के लिए सवाल है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध किस राज्य में है? गुजरात। गलत हो गया। नेक्स्ट, हीराकुंड गुजरात को गलत हो गया, तो फिर गुजरात कहां से होगा? नेक्स्ट, मध्य प्रदेश भी गलत हो गया। नेक्स्ट, बिल्कुल सही है। मंजूदा काली चिंटू के लिए 5 अंक। और अगला सवाल खुशबू से, खुशबू के लिए सवाल है, मीथेन का सूत्र बताना, मीथेन का सूत्र, मीथेन का सूत्र। समय समाप्त। आशीष, मीथेन का सूत्र भाई पढ़ा दे। मीथेन का सूत्र। नेक्स्ट गुड्डू, और सवाल जाता है आशीष के पास। आशीष के लिए सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? मन कभी नाम बताना है, साल कभी नाम बताना, तभी भूला किसी एक ऑप्शन में, चार ऑप्शन साल में लिखा। गलत हो गया। 1917। और एक बार फिर सवाल गुड्डू का 5 अंक दिया जाए। और फिर से सवाल गुड्डू से, गुड्डू के लिए सवाल है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? कांटी तापीय विद्युत
बिहार है किस जिले में स्थित है? गलत हो गया, महेश के पास सवाल। क्वेश्चन है, कांटी माफिया फिल्म परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? गलत हो गया, मुजफ्फरपुर। बिल्कुल सही, मुजफ्फरपुर। और सुमन का पॉइंट किया जाए और डायरेक्ट सवाल अब महेश से। महेश के लिए सवाल है, वैश्वीकरण के प्रमुख कितने अंग हैं? वैश्वीकरण के कितने अंग हैं? क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कितने मुख्य अंग हैं? बिल्कुल सही, पांच अंक दिया जाए सुमित को। माध्य माध्यिका बहुलक इन तीनों का फॉर्मूला एक होता है, जिसमें तीनों आ जाए एक सूत्र है, वो सूत्र बताना जिसमें कंबाइंड हो माध्य माध्यिका बहुलक। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव का भी सवाल देगा। माध्य माध्यिका बहुलक का सम्मिलित रूप एक सूत्र है, वो सूत्र बताना। समय समाप्त। बिल्कुल सही है, जोरदार ताली। पहला का सूत्र है 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। अब सवाल सबनम से, सबनम के लिए सवाल है, 6-5 किस पाद में है? क्वेश्चन है, 6-5 किस पाद में है? प्रथम पाली के लिए एक जोरदार ताली। और अब सवाल खुशबू से, खुशबू के लिए सवाल है, 2 बिंदुओं के बीच की त्रिभुज के केंद्र का सूत्र बताना। त्रिभुज के केंद्र का सूत्र बताना। त्रिभुज के केंद्र का सूत्र फिर से, इनके उत्तर बदल के जोरदार सारी बिल्कुल सही। और सवाल जाता है आशीष के पास, आशीष के लिए सवाल है, बीमारू राज्य किसे कहा जाता है? बीमारू राज्य बिल्कुल सही, 5 अंक दिया जाए गुड्डू को। और अब सवाल गुड्डू के पास, गुड्डू के लिए सवाल है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ना पटना। बिल्कुल सही, 10 अंक दिया जाए। और अब सवाल महेश के पास, महेश के लिए सवाल है, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? बिल्कुल सही, 10 अंक दिया जाए महेश को। और अब सवाल सुमन के पास, सुमन के लिए सवाल है, साइन 30 डिग्री का मान होता है? एक बटा दो बिल्कुल सही। और अब सवाल अंकित, अंकित का बताना है, त्रिज घाट का क्षेत्रफल क्या होता है? बिल्कुल सही, क्योंकि उस फोन पर कहना सारी मात्रा क्या होता है वो बिल्कुल सही। एक बार जोरदार ताली, 10 अंक। और अब सवाल रोशनी के पास, रोशनी का बताना है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार का अर्थ बिल्कुल सही, 5 अंक दिया जाए बनस के रूप में स्वीटी को। और सवाल स्वीटी को बताना, फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई? समय समाप्त। बिल्कुल सही, सबनम के लिए जोरदार ताली। और अब सवाल सबनम से, सबनम के लिए सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही, 10 अंक। और अब सवाल खुशबू से, खुशबू का बताना, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नेक्स्ट आशीष, नेक्स्ट संतुलन। बिल्कुल सही, 5 अंक। और अब सवाल आशीष से, आशीष का बताना है, गुलकोर का आण्विक सूत्र, गुलकोर का सूत्र बताना। एक बार फिर से,
बिल्कुल का इंतजाम किया जाए गुड्डू को। और अगला सवाल महेश से, महेश के लिए सवाल है फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इतनी बिल्कुल का इंतजाम। अगला सवाल सुमन से, सुमन के लिए सवाल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्पन्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी पहुंचा सुमित। और सवाल अंकित से, अंकित को बताना विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा, बिल्कुल सही।